सुशीला सुशीला सुशी यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना सोने के लिए। वो देखो वो क्या मैंने कहा था ना वो वापस आ गई। सुशीला वहाँ कुछ नहीं है। वो दुल्हन कोई दुल्हन नहीं है। वहम है तुम्हारा। सुशीला ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कैसी हो गई हो तुम? चलो सो। चलो 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 चलो। अरे वहां कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा, मैंने कहा ना। चलो चल के सो। आइए अविनाश जी। हाँ आइए। वाओ प्रसाद जी, आपकी हवेली सच में शानदार है। पुश्तैनी हवेली है, इसीलिए इसकी खूबसूरती बरकरार है। वरना इतने बड़े घर को सजाना संवारना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो। वहाँ कौन है? अरे वो कुछ नहीं, आइए मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से वरना वो भूत भी आ जाएगी। कोई कमरा नहीं देखना आप, प्लीज पहले वो दरवाजा खोलिए। अरे आप आइए ना, प्लीज खोलिए ना। अरे मुझे बाहर निकालो कोई यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। निकालो मुझे बाहर। वो आ गई क्या? चले जाओ यहाँ से। वो दुल्हन भूत नहीं, हम सबको मार देगी। शीला, ये अविनाश जी हैं। अविनाश जी हमारे मेहमान, इस हवेली को खरीदने आए हैं। नहीं ऐसा मत करना बेटा। पता है वो दुल्हन वो भूतनी रोज रात को आती। प्रसाद जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? कौन आती है रोज? आइए आपको कर दिखाता हूँ। अरे सुशीला ये क्या कर, कहाँ ले जा रही हो? मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ये स्केचेस? ये सारे स्केचेस मैंने बनाए। आपने बनाए? जब से इसने इस मनहूस दुल्हन को देखा है तब से यही इन्हीं के स्केचेस बना रही है। मनहूस मत कह रहा हूं उसे। मनहूस नहीं कहूं तो क्या कहूं? इसकी वजह से देखिए मेरी बीवी की क्या हालत हो गई। मनहूस नहीं है वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी है वो। आपकी बीवी? हाँ हाँ मेरी बीवी लक्ष्मी। सुशीला आत्मा आपकी पत्नी है। बच के रहना उससे, बच के रहना। छोड़िए छोड़िए, आप मुझे क्या कर रही हैं आप? वो आत्मा नहीं है वो मेरी बीवी लक्ष्मी है। आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? तो ये सारे स्केचेस किसने किए? कैसे बने ये सारे स्केचेस? रश्मि अविनाश जी मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। अविनाश ये कौन औरत है? क्यों मेरे स्केचेस बना रही है? मुझे कुछ नहीं पता अविनाश जी, कौन है? मैं जानती तक नहीं हूँ। बताओ क्या चक्कर है अविनाश? ट्रस्ट मी, ये सब कुछ झूठ है।
मुझे कुछ नहीं पता ये सब हमारे बीच में अभी क्या हो रहा है। देखो तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। रोज खाने से पहले तुम मुझे कॉफी पिलाती हो, क्यों, क्या मिलाती हो उसमें? नींद की गोलियां मिलाती हो ना? बोलो, अब सब समझ में आ रहा है। तुम रोज मुझे नींद की गोलियां खिलाती हो और 12 बजे निकल के उस हवेली में पहुंच जाती हो, क्यों? अविनाश कुछ खा लो। नहीं खाना। अच्छा गाजर का हलवा तो खा लो। खाना मैंने नहीं खाना। पानी तो पी लो अविनाश। अरे कौन है? अरे आ रहा हूं। आप यहां? यहां नहीं तो और कहां? अरे मुझे पता है वो यहीं आई होगी। रश्मि, रश्मि कहां हो तुम? मुझे पता है तुम यहीं हो। यहां कोई रश्मि रश्मि नहीं है। यहीं आई है। अरे यहां क्यों आएगी? मैंने मैंने कहा ना वो आ गई है। वो आ गई। सुशीला तुम बाहर क्यों आई? जाओ तुम सो। वो आ गई है। वो आई है। अरे यहां कोई नहीं है। ये कैसी आवाज है? ये वही आवाज है। मेरी मेरी 2 मिनट के लिए झपकी लगी और वो गायब हो गई। वो जरूर यहीं है। अरे आपकी रश्मि मेरे घर में क्यों आएगी? वो है ना, वो टेरेस पर जाती है। टेरेस पे? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप घर में कहाँ घुस रहे हैं? सुशीला सुशीला तुम रुको। सुशीला सुशीला तुम्हें सीढ़ियां चढ़ना मना है। सुशीला रश्मि 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 रुको रुको। रुको रुको देखो मेरी बात सुनो। रश्मि देखो रुक जाओ, मुझे मुझे पता है तुम ही हो। रुको मुड़ो। देखो अगर तुम नहीं मुड़ी ना तो मैं सबको बता दूंगा और मैं चिल्लाऊंगा और तुम्हारी असली सबके सामने खुल जाएगी। सुशीला क्या हुआ? सुशीला सुशीला क्या हुआ? क्या अविनाश? वैसे तो दीवार के काफी करीब गिरा है, शायद फिसल गया।
अगर किसी ने धक्का दिया होता तो दीवार के दूर गिरता। ऊपर से गिर के मरा है या यहीं पे किसी ने मार के डाल दिया इसे? इसकी तो हड्डियां टूट गई करीब करीब सारी। ओए, ये क्या है? क्या हुआ सर? ये देखो यहाँ गर्दन पे टूटी हुई है। हाँ अभिजीत, गर्दन टूट तो गई है लेकिन ये गर्दन ऊपर से गिरने की वजह से नहीं टूटी है। कैसे मालूम? जब सारी हड्डियां टूटी है तो गर्दन भी गिरने की वजह से टूटी होगी। भाई साहब यही फर्क है आप लोगों में और डॉक्टर सालों के में। ठीक है सर, ठीक है, आप आगे बताइए ना। देखो इसके चेहरे पर ये एक आध क्रोच के निशान है बस, कोई ज्यादा चोट नहीं। इसका मतलब साफ है ये आदमी मुंह के बल तो नीचे नहीं गया। मतलब किसी ने ऊपर इसकी गर्दन मरोड़ दी थी? बिल्कुल, गर्दन ऊपर ही मरोड़ दी और फिर ये बेचारा नीचे गिर गया। आप लोग इसे जानते हैं ना? ये कुछ दिन पहले ही मिला था, हमारा बंगला खरीदना चाह रहा था। तो ये रात को यहाँ पे बंगला खरीदने की बात करने आया था? ऐसे कपड़े पहन के ये यहीं पे ठहरा हुआ था क्या? सही है, रात को अचानक भागता हुआ हमारे घर में आ गया था। भागता हुआ? ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है। 1.5 किलोमीटर दूर? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इसके ऊपर जो ये यहाँ पर आया? ये अपनी बीवी को ढूंढता हुआ आया था और कह रहा था कि हमारे घर में है। लेकिन इसकी वाइफ यहाँ क्यों आई? यही तो बात है, वो लड़की पहले भी यहाँ आई थी, दुल्हन के कपड़े पहन के आई थी। शीला तुम चुप हो जाओ। एक मिनट आप इन्हें बोलने दीजिए। आप बताइए, वो कल रात भी आई थी? पहले आवाजें आती है और फिर वो आती है। जैसा फिल्मों में होता है वैसे? नहीं नहीं, सही में हुआ है। वो आती है, दुल्हन के कपड़े पहन के आती है, उसके पीछे पीछे उसका पति भी आया, वो भागता हुआ उसके पीछे पीछे टेरेस पे गया और फिर उसने उसे वहां से धक्का दे दिया। कोई और लड़की भी तो हो सकती है? नहीं नहीं, कोई और कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने ना उसके स्केचेस भी बनाए हैं बहुत सारे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? मैं आप चलिए ना। दिखाई? इस लड़की ने मारा अविनाश को। सर अविनाश ये स्केचेस देख के एकदम से हिल गया था। अपनी बीवी की तस्वीरें किसी अनजान आदमी के घर पे देखने के बाद कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये रश्मि शायद जरूर यहाँ पे आई होगी। शायद अविनाश ने रश्मि को घर से निकलते हुए देखा होगा और बिना टाइम बर्बाद किए उसे पकड़ने के चक्कर में ऐसे इस हालत में निकल पड़ा। आवाज से आने लगी, फिर वो भागता हुआ टेरेस चला गया, फिर मार दिया उसे। कल रात रश्मि यहाँ पे दिखी थी या सिर्फ आवाजें आई थी? सर अब मैं क्या बताऊं, मैंने ना कभी कुछ देखा ना कभी कुछ सुना। सुशीला जी को दिखी और अविनाश को सिर्फ आवाजें सुनाई दी और फिर वो आवाजों के पीछे भागा। ये वहम सिर्फ आवाजों का खेल तो नहीं? आसान के सर। भाई दो लोग तो थे, एक तो पैरों के निशान देखो ये और एक निशान ये। वो लोग बता रहे थे ना एक लड़की आई थी ऊपर, और ये निशान थोड़ा छोटा है, उस लड़की की ही होगी। सर यहाँ पे भी है, ये देखिए सर, वहां से यहाँ तक कोई आया, फिर ये देखिए ये यहाँ पे कोई खड़ा रहा या खड़ी रही और फिर यहाँ से आगे निकल गया। और आगे निकल करके पता नहीं क्या हुआ, किसने किसकी गर्दन मरोड़ी मालूम है। अरे जिसकी टूटी है वो तो नीचे ही पड़ा है ना। जो भाई अगर लड़की यहाँ पर आई थी तो उसने तोड़ी होगी गर्दन लड़के की। तो यार ये लड़की बड़ी ताकतवर होनी चाहिए जिसने एक झटके में एक जवान अच्छे खासे आदमी गर्दन मरोड़ दी, वो भी अपने पति की। इस लड़की से मिलना पड़ेगा। पूर्वी तुम पीछे की तरफ देखो। सर
अपूर्वी सर ये देखिए, ये देखिए। माय गॉड, कहीं इसे भी ले। अंदर कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। बेडरूम रश्मि, 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 सरी तो सो रही है। फोन करके थक गई होगी बेचारी। कौन? कौन हो आप लोग? सीआईडी। अविनाश का, अविनाश, अविनाश, अविनाश का खून हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता कि अविनाश घर से कब निकल गया। कुछ भी नहीं पता। ये अविनाश तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुराने बंगले तक गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? मेरे पीछे, पर मैं तो सो रही थी। तो कल आप रात में पुरानी हवेली नहीं गई? नहीं सर, मैं अविनाश से परेशान होकर नींद की गोली खा के सो गई थी। अविनाश से परेशान क्यों? क्योंकि उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सारी रात एक ही रट लगा के बैठा था कि मैं दुल्हन के रूप में देर रात किसी के घर जाती हूँ, और सारी रात सोफे में बैठ के मेरी पहरेदारी कर रहा था, इसीलिए मैं सो गई थी। सर, सर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। पूर्वी एक काम करो, इनका ब्लड सैंपल लो, देखे तो सही कौन से नींद की गोली खाई है इन्होंने। सर चलिए। बाहर तो गाड़ी खड़ी है अविनाश की, तो फिर वो इतनी दूर गया कैसे होगा? पैदल ही गया होगा सर, ये सड़क इतनी सुनसान हो जाती है कि यहाँ से टैक्सी और रिक्शा मिलना जरा मुश्किल है। या फिर किसी से लिफ्ट ली हो, कोई साथी। एक काम करते हैं, इस सड़क पर जरूर कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। सर अविनाश के घर और पुराने बंगले के बीच में जितने भी कैमरास थे सबकी सीसीटीवी फुटेज ले आओ। ऐसा क्या हुआ होगा गाड़ी के अंदर जो अविनाश अंदर बैठा था झटके में उतर गया, या फिर उतार दिया गया? हाँ, ये भी हो सकता है। तो गाड़ी रुकती है और हेडलाइट स्विच ऑफ कर देता है वो, पंकज सर रिवाइंड करना, और अविनाश के चेहरे पे जूम करो। कुछ कहा इसने? और जूम करो। तुम? ये अविनाश ड्राइवर को पहचानता था सर, जरा नंबर प्लेट पे जूम करो। इस नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किसकी है और उसका और अविनाश का क्या संबंध है। सर आरटीओ से पता चला है कि वो गाड़ी सोनाली नाम के किसी लड़की की है। सर लगता है सोनाली कहीं भाग गई है। अरे सर सोनाली को कैसे पता कि हम लोग आ रहे हैं? भाग गई? सर कैसे पता ये बाद में सोचेंगे, पहले जरा तलाशी ले लो घर की। सर खुल नहीं रहा है, अटक गया लगता है। देखो भाई
लाल लहंगा? सुशीला जी ने भी रश्मि को ऐसे लाल लहंगे में ही देखा था। तो ये लहंगा उसी का होगा सर। सर, सर यहाँ आइए। सर अविनाश का स्केच, वो भी इतना पुराना। निशाना बिल्कुल सही लगा सर। लगता है ये सोनाली अविनाश को मारने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो पुलिस की नंबरिंग लगती है। मतलब ये स्केच पुलिस स्टेशन में बनाया गया था 2008। मतलब ये अविनाश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पता करो, सारे पुलिस स्टेशन में इसका स्केच भेजो, देखो कि 8 साल पहले इसने कौन सा क्राइम किया था। सर, सोनाली के घर में लहंगा मिला है, इसका मतलब सोनाली वो दुल्हन थी जिसे सुशीला ने देखा था। नहीं फिर सुशीला जी ने अगर सोनाली को देखा होता तो वो रश्मि का स्केच नहीं बनवाती। कहीं ये सोनाली और रश्मि ये दोनों तो नहीं मिले हुए इस खून में। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर, रश्मि के ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसने वाकई वो नींद की गोली ले ली थी जिसकी वजह से 18 घंटे तक सोती रही वो। बची है सोनाली, सोनाली के फोन रिकॉर्ड चेक करते हैं। 300 से ज्यादा कॉल किए हैं सोनाली ने अविनाश को पिछले 3 महीनों में। और फिर 3 महीनों में 300 से ज्यादा कॉल किए किसी लड़की ने किसी आदमी को, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। सोनाली को ट्रेस करो। प्यार का चक्कर या फिर प्यार में फंसाने का चक्कर। तो शायद रश्मि को अविनाश के इस प्यार के चक्कर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए दुल्हन होने का नाटक किया और मार दिया उसे। मारना था तो कोई और तरीके से भी तो मार सकती थी। इस रश्मि को ब्यूरो में बुला लेते हैं, सब पता चल जाएगा। सर, पर पिछले कुछ महीनों से अविनाश और मेरे बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। किसी भी बात पे मुझसे लड़ने लगता था। तभी से मुझे शक होने लगा कि शायद उसे कोई और मिल गई। तो आपने इस और के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये, उनके संबंध किस हद तक है? मैं हार चुकी थी सर, बस भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि किसी तरह अविनाश मेरी लाइफ में वापस लौट आए और मुझसे वैसे ही प्यार करने लगे जैसे वो किया करता था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। सॉरी हमने तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। फिलहाल तो तुम जा सकती हो। जी। ऐसी कौन सी पत्नी होगी जिसे पता हो कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर है और वो चुप रहे? जो कुछ भी हो, ये अविनाश का जो खून हुआ है ये सारा चक्र इन दो औरतों के बीच में ही है, सोनाली और रश्मि। सर, सोनाली का मोबाइल जंगल में ट्रेस हुआ, ये देखिए। अरे सोनाली, सोनाली अपने घर में अविनाश को मारने का प्लान बनाया, तब यहाँ सीआईडी को देखकर नाटक कर रही हो ऐसे जैसे हमला तुमने नहीं बल्कि किसी और ने तुम पर हमला किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कह रहे हो? परसों रात अविनाश को तुमने ही गाड़ी में बिठाया था ना? हाँ। उस रात तुम्हारे और अविनाश के बीच में क्या बातें हुई गाड़ी में? क्यों गाड़ी से उतर के निकल गया? मैं उस रात उसके घर पे गई थी क्योंकि क्योंकि 10 घंटों से हमारी बात नहीं हुई थी। और वहाँ मैंने देखा कि रश्मि तकिया जला रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ से निकल गई और फिर रास्ते में मुझे अविनाश मिला। तुम?
यहाँ इतनी रात को? वो मेरी बीवी रश्मि गई है उस बंगले में, यहीं से गई है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन रश्मि तो घर पर ही है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। तुम बैठो ना, आओ अंदर। मेरी बीवी रश्मि किसी और के घर में जाती है, वो भी दुल्हन के भेष में। तो जाने दो ना उसे, छोड़ो उसे। और वैसे भी अगले हफ्ते तुम मेरे से शादी करने वाले हो ना? नहीं, आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। ठीक है, जाओ अब अपनी उस चुड़ैल बीवी के पास एंड गेट आउट ऑफ माय कार। दिखाना मत अपनी शक्ल दोबारा। और मुझे पता चला अविनाश का खून हो गया है तो मैंने रश्मि का पीछा करना चालू किया और रास्ते में पता नहीं कुछ कंबल जैसा मेरे पे आ गया था और किसी ने मेरे सर पे मारा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये भी याद नहीं है? ये तो अविनाश का कोई पुराना स्केच है जो तुमने कहीं से चुराया, क्योंकि तुम्हें उससे कोई पुराना हिसाब चुकता करना था, हैं? नहीं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। इसके घर में शादी का लहंगा मिलता है, अविनाश का पुराना स्केच मिलता है, और फिर भी नाटक जारी है। अविनाश के साथ मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैंने एक लाल लहंगा खरीदा था। तुम्हारे घर से, आर्यन कॉलोनी से हमें सारे सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अविनाश का खून तुमने किया है। मैं रहती थी, लेकिन एक महीने पहले मैं वहां से शिफ्ट हो गई थी और नए घर में आ गई हूँ। क्या? और उसको मैं काफी दिन से बेचने की कोशिश भी कर रही थी। और घर की चाबी किसी और को देके रखी थी क्या? सर, चाबी हमेशा मेरे पास एक रहती है और एक एक अविनाश के पास। ये सोनाली के कहने के मुताबिक रश्मि ने वो तकिया यहीं कहीं जलाया था। सर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जब उसे पता चल गया कि सीआईडी पीछे है तो साफ सफाई कर डाली यहाँ पे। नहीं, साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है सर। ये देखिए। मतलब ये सोनाली सच बोल रही थी। इसमें दवाई जैसे कुछ बदबू आ रही है सर। दवाई जैसी? सारंगे के पास भेजते, पता चल जाएगा। हम जरा इस रश्मि से बात करते हैं। रश्मि, कहीं फिर से नींद की दवा खा के तो नहीं सो गई? रश्मि सर, कोई नहीं। गायब है? कोई नहीं सर। एक एक कमरा अच्छी तरह से चेक कर ले। अब ये बड़ी अजीब बात है कि सोनाली ने रश्मि को देखा पर अविनाश ने नहीं देखा, ये कैसे? अगर सर, अगर ये रश्मि गहरी नींद में सो रही थी तो उठी कैसे? टेस्ट तो झूठ बोलते नहीं, कहीं सोनाली ने तो नहीं झूठ बोला? सोनाली झूठ बोल रही है या नहीं ये तो पता नहीं सर, लेकिन जिन लोगों को नींद की बीमारी है उनके पास अक्सर इस तरह के अलार्म क्लॉक का पाया जाता है। बेड के नीचे मिला। सर, अगर अलार्म बजा था तो फिर ये अविनाश कैसे नहीं उठा? कहीं धीमी आवाज में तो नहीं बजा अलार्म? रश्मि जागो। अपनी आवाज में अलार्म रिकॉर्ड किया है और देखा आवाज बढ़ती ही जा रही है। सकता है जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर वो अपनी आवाज के अलार्म से जल्दी उठ जाते हो। लेकिन सर, उन तकियों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें जला दिया गया? सर, अविनाश के स्केच के बारे में पता चल गया है। सर, ये स्केच 8 साल पहले
पीपी रोड पुलिस स्टेशन में बनाया गया था किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में। 8 साल पहले एक्सीडेंट केस में, मतलब अविनाश 8 साल पहले किसी एक्सीडेंट में शामिल था। और जो इस एक्सीडेंट में मारा गया था उसके रिश्तेदार ने ये डुप्लीकेट स्केच मंगवाया था। कौन है ये रिश्तेदार? क्या है सुशीला? अरे कहीं कुछ नहीं आया। सुशीला तुम बाहर क्यों आई? कहीं कुछ नहीं है, यहाँ क्या है? सुशीला रुको, सुशीला उधर मत जाओ। सुशीला तुम जिंदा हो? कैसे? उसने मुझे बचा लिया। किसने? महंगे वाली। हमने बचा लिया। ये स्केच हमें सोनाली के घर से मिला, लेकिन सोनाली इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सोनाली के घर से हमें ये लहंगा मिला और सोनाली को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वो नए घर में शिफ्ट हो गई थी ना, इसलिए। और वहां पे ये रश्मि लहंगा पहनकर प्रसाद के घर में आती थी। हाँ सर, मैंने वो लहंगा पहना था और देर रात तक इस अवेले में घूमती ताकि लगे कोई आत्मा, पर मुझे नहीं पता था सर इस वजह से अविनाश का खून हो जाएगा। पता नहीं था तो फिर देर रात वो तकिया क्यों जला रही थी? तो अविनाश के तकिए में मैंने नीम के ड्रॉप्स मिलाए थे ताकि वो रात को कहीं ना जाए। मैं इस नाटक से थक चुकी थी सर और इसकी वजह से। प्रसाद जी, अब इस नाटक के सारे सीन आप बताएंगे। 8 साल पहले अविनाश ने मेरे बेटे को गाड़ी से टक्कर मारी थी। मेरा 19 साल का बेटा सड़क पे तड़प तड़प के मर गया था और यह अविनाश वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने बहुत ढूंढा उसको, उसका स्केच भी बनाया, लेकिन नहीं मिला वो। बेटे की मौत के बाद मेरी बीवी की दिमागी हालत भी कुछ अजीब सी हो गई। उसके बाद से मैं पागलों की तरह अविनाश को ढूंढ रहा था। फिर अपनी भांजी से मिला, उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताया। मैंने उसका फोटो देखा, वो अविनाश था। भांजी यानी सोनाली, है ना? मतलब आपने ही मेरे पुराने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई? हाँ, मैंने ही उस घर की एक चाबी बनाई और वो लहंगा भी मैंने ही चुराया था। रश्मि को इस प्लान में शामिल कर लिया।
हाँ सर, मैं रश्मि से मिला। मैंने उसको अविनाश के अफेयर के बारे में बताया। वो काफ़ी टूट गई, मायूस हो गई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और रश्मि को समझाया कि अगर वो अपने पति को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन कैसे? वो तो उसके लिए नया घर खरीदने के चक्कर में। मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें अगले हफ्ते से दुल्हन का चोला पहन के मेरी हवेली में आना होगा। उस रात भी रश्मि आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। इसलिए आप दुल्हन के रूप में अविनाश के सामने आ गए, है ना? और बरसों की नफरत, उसने मेरे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति भर दी थी कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी, बदला ले लिया मैंने अपने बेटे का। अद्भुत शक्ति? क्या मिला आपको अद्भुत शक्ति से? अपनी पत्नी की दिमागी हालत तक का फायदा उठाया आपने और गुनहगार बन गए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आपको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.